सो बेटा जैसे मैंने आपको कल वाले लेक्चर में हमने रियलिटी मोशन किया था और मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, तो वही क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3.8। पेज नंबर 56 एनसीईआरटी पे है बेटा ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, दे आर सीइंग दैट ऑन अ टू लेन रोड। तो हमारे पास टू लेन रोड का मतलब समझ गए ना बेटा आप, कि दो लेन्स रोड की हैं, कुछ इस तरह से। अ कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे कार ए जो है बेटा, ओके, 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है बेटा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए कार कितना है बेटा, 36 किलोमीटर पर आर है। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आर। तो बेटा एक कार गाड़ी बी है, एक गाड़ी सी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब एक इधर से आ रही है और दूसरी गाड़ी आ रही है बेटा इधर से। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बी किधर से आ रही है, सी किधर से आ रही है, बट दोनों की वेलोसिटी सेम दे रखी है 54। तो वेलोसिटी ऑफ वी बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी दोनों की क्या है बेटा, 54 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ओके, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही हैं ए को, तो अप्रोच करने मतलब इसके पास आ रही है बेटा। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक अगर पीछे से आ रही है तो एक आगे से आ रही होगी बेटा। एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन डिस्टेंस ए बी एंड ए सी इज इक्वल। तो चलिए बेटा ए बी एंड ए सी इक्वल है, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। तो बेटा बी ने डिसाइड किया ए को ओवरटेक करने का। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजली कि बी इसके पीछे है। अगर बी ओवरटेक करना चाहता है तो बी पीछे ही होगा कि नहीं होगा इसके बेटा। ओके, ओवरटेक बिफोर सी डज, इससे पहले कि सी इसको क्रॉस कर जाए बी ने इसे ओवरटेक करना है। तो मतलब क्या होगा, बी ऐसे भगा के आएगा, यहां से ऐसे निकल जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा, कि हो सकता है कि एक ही टाइम पे जब जब आपका लेट से यहां कहीं पहुंच गया, ये टी टाइम बाद क्या हुआ है, ओवरटेकिंग हो रही है। ओके, यहां पहुंच गया, ए गाड़ी यहां पे है, ए तो नहीं बेटा अपने ट्रैक से ही लेगी, आपको बी गाड़ी को इधर आना पड़ेगा और तब हम चाहेंगे कि सी गाड़ी इधर हो, यहां कहीं हो, क्योंकि सी गाड़ी भी अगर यहां पे पैरेलल में तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा यहां पे। ओके, सो हमें उस एक्सीडेंट को बचाना है। वो एक्सीडेंट कब बचेगा, कि सी यहां से ऐसे निकल जाए बेटा, ओवरटेक कर जाए पहले। ओके, सो अब मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो अभी अगर इसने इसे ओवरटेक करना है बेटा, तो इसे एक्सेलरेट करना होगा। हमें यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, बी का एक्सेलरेशन निकालना है यहां पे इस क्वेश्चन में बेटा। ओके, ताकि वो उसे ओवरटेक कर सके पहले ही बेटा। तो सबसे पहले इसे क्या है, सबको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 1000 मीटर 36 किलोमीटर पर आर को। इसको बेटा अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये बन जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको कन्वर्जन करनी आती है ये। ओके, अब एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए बेटा ये डिस्टेंस ए बी है, और ये डिस्टेंस है बेटा अब ए सी। अभी अगर बी ने ए के पास पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, ए बी करना होगा कि ए बी से ज्यादा। तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम ये ग्राउंड से कंपेयर करें, यहां से देखो बेटा ये बी यहां पे था और ये ए आपका यहां पे है, तो यहां जाके मिला है, तो ये ए बी से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, ए बी से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो बी है वो ए को मिलने के लिए ए बी से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वेयरएज जो सी है वो ए सी से कम डिस्टेंस कवर करेगा। सी यहां से आ रहा है बेटा, तो ये डिस्टेंस ए सी से कम हो जाएगा और उधर से ए बी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में बेटा देखिए, अब इसको विदाउट रियलिटी मोशन भी कर सकते हैं, विद रियलिटी मोशन ये इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है ये देखो बेटा, अगर बी के नजरिए से देखा जाए, जब बी ए के पास पहुंच गया,
बी हमारा क्या है, ए के पास पहुंच गया, तो बी क्या सोचेगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ए, स्टडी कर रहा हूं बेटा, मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ए बना लिया बेटा, मैं अर्थ नहीं मान रहा, क्योंकि अर्थ के नजरिए से डिस्टेंस ए बी नहीं ट्रेवल होगा, ए बी से ज्यादा ट्रेवल होगा, लेकिन ए के नजरिए से क्या होगा, ए के नजरिए से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा बेटा, 1000 meters हो जाएगा। ओके, रिलेटिव मोशन है बेटा, मैं आपको क्या बोलता हूं, रिलेटिव मोशन में जब ये बी ए जो है बेटा ये चल रहा है, तो ये कभी भी ये नहीं कंसिडर करेगा कि मैं चल रहा हूं, ये इतना ही सोचेगा कि ये डिस्टेंस जितना है उतना ही कवर किया है इसने, इसने मेरे पास पहुंचने के लिए कितने डिस्टेंस में आया, ए बी, क्योंकि ये सोचेगा कि मैं तो ए जो है ये सोचेगा मैं वहीं पे ही रुका हुआ हूं, ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर देगा बेटा, नील करके इमेजिन करेगा। सो ए के नजरिए से बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1000, और ऐसे ही ए के नजरिए से सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने भी 1000 ही किया है, क्योंकि भले ये 1000 से कम हो गया बेटा, लेकिन ए अपने आप को उसी पोजीशन पे इमेजिन करके चलेगा, तो सी भी 1000 ट्रेवल करके आएगा, बी भी। तो हम जस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, हम मिनिमम सिनेरियो निकालना चाहते हैं, मिनिमम सिनेरियो की जस्ट टच करके निकल जाइए, तो जस्ट टच करने का मतलब दोनों ने 1000 ट्रेवल कर लिया। बेटा ये डिस्टेंस मैं 1000 क्यों लिख रहा हूं, 1000 से ज्यादा और 1000 से कम क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू ए स्टडी कर रहा हूं, मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए रखा हुआ है यहां पे। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर दिया बेटा, ए बना लिया इंस्टेड ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के विद रिस्पेक्ट मुझे नहीं पता बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि वो ए बी से ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा वो नहीं मालूम मुझे बेटा। ओके, सो इसीलिए मैंने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। तो जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटीज दे रखी है, ये सारी वेलोसिटीज अर्थ और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, तो मुझे पहले क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना होगा बेटा। तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये 15 से आ रहा है, ये 10 से आगे जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी होगा। आप कल वाले नोट्स उठा के देखोगे, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, जो कि कितना बन जाएगा बेटा, 5 meters per second। ओके, ऐसी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो फिर से आप कंसेप्ट लगाओगे, तो यहां पे हमारा ये प्लस हो जाएंगे, बीसी प्लस वी ए हो जाएगा ये। अब मैंने आपको कल सिखाया था ये, आज मैं आपको एक और सीधा सा हिंट दे दूंगा इस चीज का, तो ये हो जाएगा 10 plus 25 meters per second। ओके बेटा, तो अभी ये डाटा गिवन है। अब सबसे पहले देखो बेटा, इधर जो है इसको एक्सेलरेट करना है, इसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, तो इधर क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इधर क्या होगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं, सी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस रिलेटिव है तो वेलोसिटी भी रिलेटिव होगा, टाइम का कुछ नहीं होता बेटा, तो ये आ जाएगा 1000/25। तो ये क्या आ गया बेटा, ये कटिंग करके 40 seconds आ गया। तो इसका मतलब है कि जो सी गाड़ी है वो बी गाड़ी के पास 40 seconds में पहुंच जाएगी, तो बी गाड़ी को 40 seconds से पहले ओवरटेक करना होगा। ओके, सो अब अगर हम बी की बात करें, जस्ट अ सेकंड बेटा, अगर हम यहां पे बी की बात करें बेटा, तो क्या होगा, अगर हम यहां पे बी की बात करें बेटा, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टाइम टेकन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, ओके, सो ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, सर आप इधर रिलेटिव तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव आएगा, तो चलो आप ऐसे मान लो
कि ए बी ए आ रहा है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है, इसको आगे मैं बता दूंगा आपको कैसे। तो ये 1000 हो गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 5 हो गया है इनटू टाइम 40 सेकंड में, तो मिनिमम टाइम उसके पास क्या है 40 सेकंड है बेटा, सॉरी मैक्सिमम टाइम क्या है उसके पास 40 सेकंड है, उससे पहले निकलना होगा उसे हाफ, ये निकालना है हमें इनटू 40 स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपके पास। ओके तो यहां से ये कितना आ गया बेटा 540 200 हो गया ये। ओके ये 200 इधर आ जाएगा 1000 से, तो 800 इज इक्वल टू हाफ ए बी ए इंटू 40 स्क्वायर मतलब 1600। अभी आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ए बी ए क्या आ गया है आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बेटा। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है अगर आपने, तो ये क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आ जाएगा बेटा, बी ए कितना है 1 प्लस ए जी का कितना है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है बेटा 0 है, ए जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। ओके इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको बेटा? यस सर। ओके यहां पे बेटा रियलिटी मोशन का कंसेप्ट क्यों लगा है, क्योंकि यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारा ए वो मूविंग कर मूव कर रहा है बेटा, वो खुद चल रहा है, अर्थ नहीं है। ओके बेटा यहां पे जो ये है ए जो है ये चल रहा है खुद, तो यहां पे हमें रिलेटिविटी कंसिडर करनी होगी, मतलब आप डिस्टेंस जहां आप ऐसे सोच सकते हो कि रिलेटिव वर्ड नहीं यूज करना चाहते, आप सोचो कि यार ये डिस्टेंस अगर ए के नजरिए से वो 1000 ट्रेवल करके गया है तो आप वेलोसिटी भी तो ए के नजरिए से ही लोगे। ओके सो यहां पे इजी हो गया। अब यहां पे अगर आप ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट स्टडी करने लग जाते फिर पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता कि आपका ए बी कितना इंक्रीज हुआ, ये डिस्टेंस निकालना पड़ता, ए सी कितना हुआ है, फिर होता अलग से केस। ओके तो यहां पे देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जिन बच्चों को बेटा कल का लेक्चर नहीं पता है, कल नहीं सुना है और समझ नहीं आया है और सिर्फ 1D में पढ़ना है उन्होंने ये कंसेप्ट, क्या होता है बेटा जब दो बॉडीज हो ऐसे, ए बॉडी एंड बी बॉडी ऐसे हो ना और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने अगर लेना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, माइनस कर देना है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर देना है बेटा, अगर बी ए होगा तो वी बी में से वी ए माइनस कर देना है। ओके अगर ये अप्रोच कर रहे हैं मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं इस तरह से, ये वी ए हो गया ये वी बी हो गया, तो तब आपने क्या कर देना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देना है, जो कि यहां पे मैंने किया था सी एंड ए के लिए ऐड कर दिया था, बी और ए के लिए माइनस कर दिया था, क्योंकि बी एंड ए सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सी एंड ए अप्रोच कर रहे थे एक दूसरे को बेटा। ओके तो सीधा ये याद रख सकते हो कि अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर लेंगे बेटा। ओके सब्ट्रैक्शन से पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है यहां पे नंबर से नेमिंग से पता चल जाएगा, ए की स्टडी बी के साथ हो रही है तो ए माइनस बी, बी की ए के साथ हो रही है तो बी माइनस सी हो जाएगा बेटा, और इसी को मैंने यहां पे यूज किया है। और ये कहां से आया ये प्रॉपरली मैंने कल रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन किया था बेटा। ओके ऐसे ही एक और क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का ही, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.9। एनसीईआरटी का ही है बेटा, सेम पेज पे है ये। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद यही है कि आपको समझ आए सर अप्रोच कैसे कर रहे हैं रियलिटी मोशन के क्वेश्चंस को। ओके बेटा तब देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं कि टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी 2 मिनट्स। तो बेटा हमारे पास दो टाउन्स है, ए टाउन है और बी टाउन है। ओके क्या है, इधर से बसेस ए से बी की तरफ जा रही है और बी से बसेस ए की तरफ आ रही है बेटा। ओके और हर टी मिनट बाद इधर से एक बस चलती है और हर टी मिनट बाद इधर से एक बस चलती है बेटा। ओके अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। तो यहां पे ना एक साइकिल पे आदमी जा रहा है बेटा,
विद वेलोसिटी वी सी, और वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट कितना है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, तो ए से बी की तरफ मतलब बेटा टुवर्ड राइट जा रहा है वो हमारे लिए. ओके, नोटिस इज दैट द बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन. तो उसने क्या नोटिस किया बेटा, उसने एक चीज तो नोटिस की कि बसेस जो है ए टू बी जो जा रही है वो उसे हर 18 मिनट बाद मिल रही है. ओके बेटा, तो कितने मिनट बाद उसे मिल रही है बेटा, 18 मिनट बाद उसे हर बस मिल रही है. और दूसरा उसने क्या नोटिस किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मिनट में मिल रही है. तो जो बसेस बी टू ए आ रही है बेटा वो उसे क्या है 6 मिनट बाद मिल रही है बेटा. ओके, अब कोई बच्चा आप में से इमेजिन करके ये बता सकता है कि ये टाइम डिफरेंट क्यों है, ऑल्दो दोनों बसेस इधर से भी बसेस वी वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बस वी बी कंसिडर कर ले, इधर से भी बस का वेलोसिटी वी बी है और एक जैसे टाइम बाद यहां पे लीव कर रही है, तो इधर वाली बसेस ज्यादा टाइम ले रही है, इधर वाली कम ले रही है, तो ऐसा क्यों? इज देयर एनीवन हु वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? इन द डायरेक्शन वाली ज्यादा टाइम क्यों ले रही है उसे क्रॉस करने में, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली कम टाइम क्यों ले रही है क्रॉस करने में? क्योंकि वो ए से बी की तरफ जा रहा है. बिल्कुल बेटा, क्योंकि वो खुद ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए से बी की तरफ जाने वाली बसेस को वो क्या है बेटा, आप क्या है वो उसके आगे आगे भाग रहा है एक तरह से, ऐसे बोल सकते हो. और इधर वो क्या है उनको अप्रोच कर रहा है बसेस को. ओके, यहाँ पे वो ए से बी वाली से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और बी से जाने वाली को अप्रोच खुद कर रहा है, खुद उनके पास पहुंच रहा है. ओके, आप इस सिनेरियो को ऐसे इमेजिन कर सकते हो बेटा कि लेट्स सी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. इसने अगर इसको कैच करना है बेटा, ओके, तो कितना टाइम लगेगा? और दूसरी चीज देखिए बेटा, ऐसे हो रहा है कुछ, इस केस में दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ये 10 से पहले और ये 5 से, सेम स्पीड है. अब इन दोनों सिनेरियोज में आप बताइए कौन से सिनेरियो में टाइम कम लगेगा. ऑब्वियसली बात है इस सिनेरियो में टाइम कम लगेगा क्योंकि ये खुद भी कुछ डिस्टेंस उसके पास चला गया है. यहां पे जब तक ये कैच करेगा जब तब तक ये खुद आगे थोड़ा सा चला जाएगा, तो इसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. इसमें इसे कैच करने की सिर्फ यहां तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें टाइम ज्यादा इसमें टाइम कम लगेगा बेटा. ओके, क्लियर है ये चीज? आई होप आपके दिमाग में ये चीज चली गई है. तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम पर टी. एक तो टी की वैल्यू बतानी है, टी कितना टाइम है, जो मिनट्स बोला है ना, टी मिनट्स बोला वो बताना है हमें. और दूसरा बताना है हमें कि स्पीड कितनी है बस की जो रोड पे चल रही है. तो टाइम टी, कैपिटल टी निकालना, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और एक वी बी निकालना है हमें, बस इसकी वेलोसिटी निकालनी. तो बेटा केस वन कंसिडर करते हैं पहले, वो कौन सा केस है, बस ए टू बी वाली जो जा रही है बेटा. तो इसमें क्या है बेटा, देखो ए ये रहा टाउन और ये रहा बी टाउन. अब साइक्लिस्ट यहां पे था बेटा, साइक्लिस्ट की पोजीशन सी वन थी. जब उसे पहली बस मिली, जब उसके पहली बस ने ओवरटेक किया इधर को जाने वाली ने. ओके बेटा, अभी यहां पे सोचना ये जरूरी है कि जब इस बस ने सी वन पोजीशन पे साइक्लिस्ट को ओवरटेक किया, तो दूसरी बस जो है बेटा उसे ओवरटेक करेगी सी टू पॉइंट पे. तो जो दूसरी बस है, ये बस नंबर वन है बेटा, जो दूसरी बस है वो कहां पे थी इस वक्त, जब ये यहां पहुंच जाएगी तो वन बस कहां पहुंच जाएगी, वन बस आगे पहुंच जाएगी कहीं, कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा पिक्चर? ये पिक्चर होगा टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, ये पिक्चर होगा आपका t इज इक्वल्स टू 18 मिनट पे. समझे बेटा? बेटा a से b बसेस जा रही है आपकी, c1 पोजीशन पे साइक्लिस्ट को पहली बस मिली t इज इक्वल टू 0 पे, उसने अपनी स्टॉपवॉच ऑन कर दी लेट्स से. अब साइक्लिस्ट जब c2 पोजीशन पे पहुंचा तो ये सेकंड बस जो पहली बस के पीछे आ रही थी वो उसे मिल गई, तो तब तक पहली वाली बस आगे चली जाएगी. तो t इज इक्वल टू 18 मिनट, जब उसने स्टॉपवॉच पे देखा तो t इज इक्वल टू 18 मिनट पे दो नंबर वाली बस उसके सामने उसको ओवरटेक कर रही थी. ओके बेटा,
तो ये पिक्चर उसने क्लिक, ये पिक्चर क्लिक होगी 18 मिनट पे, ये पिक्चर होगी स्टार्टिंग टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे। समझ आई बेटा बात? यस सर। तो ये जो बस टू है बेटा, ये बस टू जो है इसने साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये डिस्टेंस ही ट्रेवल किया कि नहीं किया? ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, ओके, लेकिन साइक्लिस्ट के विद रिस्पेक्ट ये वाला डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। तो अब आप बताइए किसके विद रिस्पेक्ट। अच्छा ये क्वेश्चन में आपको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करके दिखाता हूं, लेट्स सी आंसर सेम आता है कि उल्टा आता है। ओके पहले बताइए किसके विद रिस्पेक्ट बताऊं आपको मैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी करना है कि विद रिस्पेक्ट टू साइकिल? बताइए बेटा आप, यार ये तो कुछ भी बोल दो, ये कौन सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि जो आप बोल नहीं रहे? ग्राउंड। ओके जी, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी चल रही है हमारी बेटा। तो ये जो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आ रहा है बेटा, ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ही है कि नहीं है? ओके, और जो वी भी लेट किया ये भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है। ओके तो ग्राउंड के नजरिए से बेटा जो सेकेंड बस है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा। समझ आई कि नहीं बात बेटा? यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी इक्वल्स टू जो ये इनिशियल गैप था प्लस जो साइक्लिस्ट ने 18 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, अब ये गैप कितना होगा ये निकालना जरूरी है सबसे पहले, ये गैप कितना होगा? देखिए बेटा आप एक चीज इमेजिन करो, ये बहुत इजी बात है, यहां से t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे एक बस चली, B1 बस चली। ओके अब ये बस यहां पे पहुंचगी, पहली बस यहां पे पहुंचगी जब दूसरी बस ने चलना स्टार्ट किया था। दूसरी बस कितने टाइम बाद चली है? t मिनट बाद। तो इसका मतलब t मिनट में पहली बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू vb इनटू t मिनट हो जाएगा। t को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, t बाय 60 लिख देते हैं बेटा। समझ आई कि नहीं बात ये? यस। ओके तो हमेशा दो बसेस के बीच में हमेशा इतना गैप रहेगा बेटा, ये क्या है आपका गैप बिटवीन टू बसेस, दो बसेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? ओके अब ये और आगे चली जाएगी, टू इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, यहां पे थ्री बस आ जाएगी, ऐसे होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा बेटा? ओके तो किसी भी दो बस में देखोगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ये होगा। सो वी हाँ जी बेटा, सारी बसेस की स्पीड एक ही होगी? हाँ जी बिल्कुल बेटा, सब बसेस की स्पीड एक है और कॉन्स्टेंट है। सो अब वी बी जी क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू वी बी टी अपॉन 60 प्लस साइक्लिस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, 20 इंटू 18 बाई 60। ये साइक्लिस्ट का डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? C1 से C2 डिस्टेंस पे जाने के लिए, C1 से C2 पोजीशन पे जाने के लिए सॉरी, कितना स्पीड इंटू स्पीड 20 था, टाइम 18 मिनट था, 18 मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया बेटा। समझ आ गई कि आ गई बेटा बात? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। सो दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके अब अगर के सेकंड की बात करें कि बस बी से ए जो आ रही है उसका क्या होगा, बस बी टू ए, बी टू ए वाली बस का क्या होगा बेटा? तब आप ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ चुके हैं, मैं फिर से वही पिक्चर बना रहा हूं बेटा। साइक्लिस्ट को C1 पोजीशन पे पहली बस यहां पे मिली, लेट्स सी पहली बस यहां पे मिली बेटा, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ना। ओके साइक्लिस्ट को C1 पोजीशन पे पहली बस मिली है और ये बसेस जो है बेटा ये इस तरफ जा रही है, ये बसेस जो है ये इस तरफ जा रही है बेटा अभी। ओके तो C2 पोजीशन पे यहां पे दूसरी बस मिलेगी उसे, यहां पे उसे दूसरी बस मिलेगी। तो बेटा अभी देखिए जब पहली बस यहां पे थी तो दूसरी बस इससे पीछे होगी कि नहीं होगी, यहां पे होगी कि नहीं होगी, पीछे होगी कहीं, है ना?
ये आपकी पिक्चर बनी है टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड पे, ये पिक्चर है टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड पे। अभी छह मिनट बाद क्या होगा, छह मिनट बाद जो ये आपका साइक्लिस्ट है बेटा, ये साइक्लिस्ट सी वन पोजिशन से यहां कहीं सी टू पोजिशन पे चला गया, तो जब सी टू पोजिशन पे पहुंचा तो बस टू इसको इसके पास पहुंच गया, तब पहली बस आगे चली गई, यहां कहीं पहुंच गई। तो ये जो पिक्चर बनी है बेटा, ये पिक्चर बनी है टी इज इक्वल टू सिक्स मिनट पे। क्लियर है कि नहीं है बेटा बात? यस सर। ओके, तो अभी आप ये बताइए कि जो आपकी बस टू है, बस टू जो थी बेटा वो यहां से इस पोजीशन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहां पहुंची है अगर सी टू पोजीशन पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? पहले ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका बस के बीच का डिस्टेंस गैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बेटा वन बस टू बस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? यस सर। बेटा यहां पे इमेजिन करिए, दो समय पे दो अलग अलग सिनेरियो है, यहां पे पहली बस उसे मिली थी, यहां पे दूसरी बस, तभी तो बेटा गैप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ओके, दो बसेस के क्रॉस करने का मतलब ये होता है। तो पहली बस जब उसे मिली तो दूसरी बस उससे कितना डिस्टेंस पीछे थी? डिस्टेंस अब भी वही रहेगा, दो बसेस के बीच का गैप उतना ही रहेगा, भले वो ए से बी जा रही है या बी से ए जा रही है। ओके, अब जब छह मिनट हुए तो छह मिनट बाद कहानी कुछ ऐसी हुई कि बस टू यहां पहुंच गई है, यहां पे पहुंच गई है, तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है छह मिनट में? ये वाला डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है कि छह मिनट में? नहीं बेटा। तो ये ये डिस्टेंस कैसे आएगा? अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इस पूरे साइक्लिस्ट भी आगे गया होगा। हां जी बिल्कुल बेटा, साइक्लिस्ट आगे गया, साइक्लिस्ट सी वन से यहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया। तो ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? केस टू में क्या होगा बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज गैप बिटवीन द बसेस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइकिल इन सिक्स मिनट। ये ध्यान से सुन लो बेटा, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, देख सकते हो। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइक्लिस्ट। तो इसमें से ऊपर वाला जो मैंने रेड लाइन लगाई है, इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा जो बस आगे को आई है, जितना बस आगे को आई है बेटा। यस सर। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करके ये ले आयो बेटा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया बेटा? दैट इज इक्वल्स टू VBT अपॉन 60 माइनस 20 इनटू 6 बाय 6, क्योंकि अभी बस ने कितना टाइम लिया है बेटा, 6 मिनट लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो बस ने कितने टाइम में यह डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 6 मिनट में। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है ना, डिस्टेंस को बेटा, डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो। और अगर आपका डिस्टेंस ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है तो आप वेलोसिटी भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ही लिखोगे, जो कि वी भी लेट किए हमने। सेम चीज दूसरी तरफ लिख सकते हो बेटा, यहां पे भी तो यही आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, डिस्टेंस बाय बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, बस की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इधर कितने टाइम में बस ने यह डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 18 मिनट में। ठीक है बेटा, अभी के लिए टाइम में कोई रिलेटिविटी नहीं है बेटा आपकी, तो टाइम बस के नजरिए से देख लो साइकिल, तो वो टाइम 18 मिनट ही रहने वाला है। ओके, यहां से इस टू पोजीशन ये जो है बेटा, यहां से यहां पे बस कितने टाइम में पहुंची है, यहां से यहां बस कितने टाइम में पहुंची है? 18 मिनट में। तो बस की वेलोसिटी इनटू 18 मिनट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, तो आप देख सकते हो आपके पास दो इक्वेशंस बन गया बेटा, एक इक्वेशन ये बन गई है आपके पास और दूसरी इक्वेशन बन गई है ये आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को अभी आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, क्या कर सकते हो आप बताइए भाई? यस सर,
एक चीज ऐसे कर सकते हो बेटा, उधर जो बना था वीबी एन टू 18 बाय 60 इज इक्वल टू बना था वीबी टी अपॉन 60 प्लस 20 टाइम्स 18 अपॉन 60। पहले तो दोनों तरफ 60-60 कैंसिल कर दो, इधर भी 60-60 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी तो बेटा मैथमेटिक्स रह गया, फिजिक्स समझ आ गई है, तो ये बन गया 18 वीबी, इसको इधर ले जाते हैं, ये कितना हो गया बेटा 20 इंटू 18 कितना हो गया है 360 हो गया है, इसको इधर माइनस 360 इज इक्वल टू वी बी टी, ये बन गया हमारे पास। ऐसे इधर क्या हो जाएगा 6 वी बी इज, और इसको इधर ले आते हैं प्लस 120 इज इक्वल टू वी बी टी, तो ये वी बी टी की वैल्यू यहां डाल देते हैं बेटा, यहां से वीबीटी की वैल्यू यहां डाल दो मेरे बेटा। ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने का मेरा कंसेप्ट है, आप अलग वे से भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। प्लस 120 ओके, अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो बेटा 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12 वीबी इज इक्वल टू 120 प्लस 360, तो वीबी क्या आ जाएगा बेटा 120 प्लस 360 बाय 12, ये कितना आ गया 480 बाय 12, ये कितना आ गया बेटा 40, आपका 40 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया इस बस का। ओके टा, और टाइम के लिए क्या करोगे यहाँ पे, टाइम के लिए क्या कर सकते हो, इस वीबी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 40 इंटू टी, तो ये हो गया बेटा 240 प्लस 120 बाय 40 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आ गया बेटा, ये कटिंग करके ये जीरो कैंसिल आउट हो गई है, तो 36 तो टी इज इक्वल टू 9 मिनट आ गया बेटा आपके पास आंसर, तो 40 एंड 9 आपका आंसर आ चुका है बेटा। सो क्लियर है बेटा ये चीज, किसी को डाउट इसमें? नो सर। इक्वेशंस बेटा आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो ओके। ये 3.8 एंड 3.9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये टीचर्स बोर्ड में हमेशा पूछते हैं बेटा आपके लिए ओके। तो यहां पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे तो बेटा देखिए कोई रियलिटी मोशन ही नहीं हुआ है। सो बेटा यहां पे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था बेटा ओके। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था, तो जो गिवन वेलोसिटी साइक्लिस्ट की है, ये सब कुछ यही वेलोसिटीज बेटा ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, हमें कोई अलग से रियलिटी वेलोसिटी नहीं कंसिडर करनी पड़ी यहां पे ओके। यहां पे इन क्वेश्चंस में जो दिक्कत हुई है, वो दिक्कत हुई है इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने में। आप देख सकते हो बहुत बच्चे इन डिस्टेंसेस को इमेजिन नहीं कर सकते, ये तो बेटा इस तरह से मैंने पिक्चर्स बना दी आपके लिए, जिससे आपके लिए इजी हो गया ये डिस्टेंस इमेजिन करना। लेकिन अगर आप लोग बेटा खुद करोगे इस क्वेश्चंस को, आपके लिए डिस्टेंस इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। अभी सेम क्वेश्चन को मैं विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट करके दिखाऊंगा, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया बेटा, अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस साइकिल हो गया, साइकिल पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके विद रिस्पेक्ट स्टडी होगी बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, ये मेथड टू है आपका, इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा ओके, बट विद द डिफरेंट अप्रोच। और वो डिफरेंट अप्रोच किया कि मैंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। केस वन क्या है कि जब बसेस ए से बी की तरफ जा रही है बेटा ओके, साइक्लिस्ट सी वन यहां पे है, सी टू यहां पे पहुंच गया, सी टू पोजीशन यहां पे, पहली बस दूसरी बस। तो देखिए बेटा जब आपने साइक्लिस्ट के विद रिस्पेक्ट स्टडी करनी है, तो इसका मतलब क्या है, 6 मिनट में ये बस साइकिल के पास पहुंच गई ओके। अब हमें डायग्राम चेंज करनी होगी बेटा, तो सेकेंड बस जो है साइक्लिस्ट के पास पहुंच गई, तो जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा यहां पे, हम लोग साइक्लिस्ट को ऐसे इमेजिन कर लेंगे कि जैसे साइक्लिस्ट आपका क्या है बेटा, रेस्ट पे ही है ओके। मैंने आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि जिसके विद रिस्पेक्ट स्टडी करते हो उसे रेस्ट पे ट्रीट कर लिया करो एक तरह से ओके। तो साइक्लिस्ट, तो सबसे पहले देखिए बेटा 18 मिनट में हुआ क्या है, इन 18 मिनट्स बस टू कैचेस साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट के पास पहुंच गई है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस
बस साइक्लिस्ट के विद रिस्पेक्ट ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी, मतलब गैप बिटवीन द टू बसेस जो कि हमें पता है वीबीटी बाय 60 होता है, या पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि ये कितने चीज में हुआ है बेटा, ये हुआ है 18 मिनट में अगेटा। सो ये सिनेरियो कितने टाइम में हुआ, 18 मिनट में। अभी अगर मैं डिस्टेंस ऑफ बाइसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट निकाल रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू सॉरी वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस रिलेटिव है तो वेलोसिटी रिलेटिव। इनटू टाइम कितना, 18 मिनट का, 18 बाय 60 दैट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, वीबीटी बाय 60। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया बेटा कुछ नहीं याद, तो इतना याद रख लो दोनों साइक्लिस्ट एंड बस दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या करना होता है, माइनस आर बी पहले लिख देंगे सी बाद में लिख देंगे बेटा। 18 बाय 60 इज इक्वल टू वीबीटी बाय 60, 60 से 60 कैंसिल, ओके सो वीबी माइनस वीसी 18 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, दिस इज इक्वल टू आ गया वीबीटी। पहली क्वेश्चन ये बन गया था हमारे पास। ऐसी केस सेकंड देखो, केस टू देखो बेटा, केस टू में क्या है, ए है ये बी है, ये रहा साइक्लिस्ट बेटा, पहली बस मिली दूसरी बस यहां पे थी तब, तो अब फिर से दूसरी बस ने साइक्लिस्ट को कैच किया बेटा, दूसरी बस ने साइक्लिस्ट को कैच किया, तो फिर से बस ने जो साइकिल के विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फिर से वीबीटी बाय 60 है बेटा, डिस्टेंस फिर से उतना ही ट्रेवल किया है। इसे क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट, और अब ये कितने टाइम में हुआ है, ये 6 मिनट में हुआ है। यहां पे कितने टाइम में बेटा, इन 6 मिनट हुआ है ये काम, 6 मिनट में सेकंड बस साइकिल के पास पहुंच गई थी, तो डिस्टेंस रिलेटिव लिया है तो वेलोसिटी भी रिलेटिव लेंगे बेटा। तो यहां पे वीबीसी अब क्या करेंगे बेटा, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, बसेस एंड साइक्लिस्ट दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वीबी प्लस वीसी इनटू 6 बाय 60, 60 कैंसिल आउट ही कर दो, इज इक्वल टू वीबीटी हो गया बेटा। तो सेकंड इक्वेशन ये बन गया बेटा, पहले की तरह दो इक्वेशंस बन गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो सेम आंसर आ जाएगा, कुछ ना करो ये वीबीटी की वैल्यू इधर डाल दो, या इधर से वीबीटी की वैल्यू इधर डाल दो, तो ये बन गया 6 वीबी प्लस 6 टाइम्स वीसी इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स वीबी माइनस 18 टाइम्स वीसी, तो 6 इधर आके बेटा इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 6 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 24 टाइम्स वीसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 12 वीबी, सो वीबी क्या आ गया आपके पास, वीबी इज इक्वल्स टू आ गया ये कटिंग हो गया 2 वीसी आ गया बेटा, और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी कितना है 20, तो कितना आंसर आ गया 40, तो यहां पे भी 40 किलोमीटर पर आवर आंसर बन रहा है, वहां पे 40, और इसको दोबारा से यहां बोल दोगे टाइम आ जाएगा बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं कि यहां से डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, कोई दो दो पिक्चरें बनाने की जरूरत नहीं, एक ही पिक्चर से आप काम कर सकते हो, ओके। तो बस ये होता है बेटा कि आप किसके विद रिस्पेक्ट स्टडी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके विद रिस्पेक्ट स्टडी हो रही है सब कुछ उसके विद रिस्पेक्ट, डिस्टेंस वेलोसिटी सब कुछ उसके विद रिस्पेक्ट होना चाहिए बेटा, ओके, एक्सेलरेशन भी उसके विद रिस्पेक्ट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम हमारा सेम रहेगा बेटा, ओके, टाइम रिलेटिविटी नहीं आती जब तक वेलोसिटी बहुत ज्यादा ना हो, ओके, वो यहां पे हमारे मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी भी टाइम की रिलेटिविटी नहीं कंसिडर, रिलेटिव टाइम नहीं कंसिडर किया जाता, ओके, तो टाइम बसेस के लिए साइक्लिस्ट के लिए 18 मिनट ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ओके, इज दैट क्लियर, तो आपको दोनों मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है। पिछले मेथड में आपने देखा होगा बेटा कि जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये डिस्टेंस इमेजिन करने में आ रही थी, ये तो बेटा डायग्राम दो दो डायग्राम ऐसे मैंने बना के दिखा दिया कि पहले साइकिल यहां बस यहां ये वो होगा बस, बट लेकिन बेटा ऐसी चीज बहुत बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हर बच्चा ये रियलिटी वाला कंसेप्ट सीख ले कि रियलिटी का मतलब कोई अलग चीज नहीं है बेटा, फॉर्मूले वही लगने हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर होगा, फॉर्मूले सेम ही लगने हैं बेटा, बस क्या होगा हमें यहां पे सबसे पहले क्या है रियलिटी वेलोसिटी एंड रियलिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए मैंने आपको सीधा बता दिया, जो बच्चे बेटा वेक्टर से नहीं सीख पाए, कल वाले मेथड से नहीं सीख पाए, वो सीधा याद रख लो कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा बेटा माइनस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर दो, इतना याद रख लोगे
मैथमेटिक्स टीचर ने भी ये लाइन कभी ना कभी आपको बताई होगी छोटी क्लासों में। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। मैं आपको ये चीज बताता हूँ मैथमेटिक्स टीचर ने कैसे बताया होगा। ऐसे बताया होगा आपको छोटी क्लासों में, ऐसे होगा कि एक ट्रेन है बेटा, ओके, ट्रेन इधर जा रही है और ये आप चलते हुए जा रहे हो। आप एक बार ट्रेन की तरफ चल रहे हो और दूसरे केस में आप ट्रेन से अवे जा रहे हो इस तरह से। तो इस केस में ट्रेन आपको कब क्रॉस करेगी, इस ट्रेन इस टाइम इस केस में आपको ट्रेन कब क्रॉस करेगी? तो टीचर बोल देता है इस केस में वेलोसिटीज ऐड कर दो, इस केस में वेलोसिटीज सबट्रैक्ट कर दो और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो वही चीज यहां पे हो रही है एक तरह से। बट क्या होता है बेटा, अगर आपने रियलिटी मोशन 2D में लगाना फिर वो वेक्टर वाला सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल समझाया था मैंने आपको। ओके, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस करिए। आपका एनसीईआरटी में ट्रेन वाला क्वेश्चन भी है, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3.7 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3.7 पेज 56 सेम पेज पे है। ये क्वेश्चन भी आपका रियलिटी मोशन से भी हो जाएगा, ग्राउंड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी हो जाएगा। आप दोनों से ट्राई करना है, तो आप जिससे आपको इजी लगा है उससे ट्राई करो बेटा। ओके, अभी हैबिट बना लो, दोनों में कंफ्यूज मत हो, एक मेथड अप्लाई कर लो जो इजी लगा है आपको वो वाला कर लो बेटा। ओके, बस बेटा ग्राउंड वाले में कोई रियलिटी वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत, वहां पे सीधा हो जाएगा, वहां पे डिस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी। इसमें रियलिटी वेलोसिटी कंसीडर करना पड़ेगा, डिस्टेंस सीधा हो जाएगा यहां पे। ओके बेटा, सो एक बच्चा ये 3.4 एग्जांपल 3.4 क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी का ही पेज 56 पे। बेटा ये मतलब इसमें फिजिक्स का कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आपकी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। दे आर सेइंग दैट ड्रंक एंड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेकिंग 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसने शराब पी रखी है, वो क्या कर रहा है, 5 स्टेप आगे को जाता है बेटा और 3 स्टेप पीछे को आ जाता है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है आगे। वो ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर 1 सेकेंड। तो हरेक स्टेप, 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर है एंड 1 स्टेप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है बेटा। प्लॉट एक्स टी ग्राफ ऑफ द मोशन डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकन टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ बेटा, ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे 13 मीटर के ऊपर क्या है बेटा, गड्ढा है एक। तो हमें ये बताना है कि ये गड्ढे में कब गिर जाएगा बेटा। ओके, तो आप इसका वो कहते हैं कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर लो, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो। तो कैसे होगा बेटा, देखिए टी इज इक्वल टू 0 पे वो ओ पॉइंट पे है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड बाद वो कहां होगा बेटा, 5 मीटर में होगा कि नहीं होगा, 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, 5 मीटर होगी, यहां पे पहुंच गया वो। ओके, अब वो 5 स्टेप आगे लेके 3 स्टेप अगले 3 सेकंड के लिए वो क्या होगा बेटा, पीछे को आएगा। तो 5 हो गया, फिर 18 सेकंड बाद 8 सेकंड बाद वो कहां पहुंच जाएगा बेटा, 2 मीटर पे, 3 मीटर पीछे आ गया तो 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। ये हो गया उसका सिनेरियो। ओके, तो पहले उसकी पोजीशन क्या थी बेटा, ऐसे बढ़ रही थी क्योंकि एक एक मीटर एक एक सेकंड में ले रहा है, फिर वो नीचे को आ गया कुछ इस तरह से। ओके बेटा, अब अगले 5 सेकंड में क्या होगा, यहां से 2 मीटर से फिर वो 5 आगे जाएगा, तो कितना आगे चला गया है, 8 से 5 ऐड किए तो 13 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 7 मीटर हो जाएगी, क्योंकि यहां से 5 और आगे चला जाएगा वो, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, 7 मीटर हो जाएगी। ओके, फिर यहां से वो क्या है, 3 मीटर पीछे आ गया, तो 7 से 3 पीछे आ गया, तो वो कहां पहुंच गया बेटा, वो 4 पे पहुंच गया है, वो कहां पे पहुंच गया, 4 पे, और उसकी पोजीशन 3 सेकंड बाद की होगी बेटा, तो 13 प्लस 3 16 सेकंड, तो यहां पहुंच गया बेटा। तो इस तरह से चलता जा रहा है,
फिर 16 + 5 कितना हो गया 21, तो 21 सेकंड बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा बेटा, इससे 5 स्टेप और, तो 4 + 5 = 9 हो गया, तो यहां से वो क्या पहुंच जाएगा बेटा 9 पे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया 9 पे, ठीक है बेटा। अगले 3 सेकंड के लिए क्या होगा, अगले 3 सेकंड के लिए फिर से वो पीछे को मुड़ के आएगा, वापस आएगा बेटा, अगले 3 सेकंड के लिए वो फिर वापस आएगा, तो मतलब पोजीशन है 24 सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, उसकी पोजीशन 9 से 3 पीछे चला गया बेटा, तो 9 में से 3 निकाले कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 यहां कहीं हो गया आपका, लेट सी, तो 6 पे आ गया बेटा। अभी 5 सेकंड बाद फिर से मतलब 29 सेकंड बाद देखोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 6 से कहां चला गया है, 6 से फिर वो आगे 5 आगे चला गया, मतलब 11 पे पहुंच जाएगा अभी वो, ये पहुंच गया था 11 पे, ओके। फिर 3 सेकंड बाद मतलब 29 + 3 कितना हो गया है 32 सेकंड बाद फिर 11 से वो कहां पहुंच जाएगा बेटा, ये उसकी पोजीशन हो गया 11, ओके। तो 11 से बेटा 3 पीछे आ गया तो 8 पे आ जाएगा अभी वो, यहां कहीं आ गया वो, तो 8 पे आ गया बेटा, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो 8 के बाद 5 सेकंड बाद फिर क्या होगा बेटा 37 सेकंड, तो 8 + 5 = 13 हो गया बेटा, तो ये पहुंच गया वो 13 में, तो वो 13 पे यहां पहुंच गया बेटा। अभी बच्चे पूछते हैं 13 से फिर वो वापस आ जाएगा, यहां से 3 पीछे चला जाएगा फिर आगे चल जाएगा, ऐसे कर करके जब तक वो 13 पे नहीं पहुंचता तब तक नहीं रुकेंगे, है ना। अब बेटा आप एक चीज देखो, ड्रंकन मैन है यहां पे, वो 30 सेकंड में पहली बार वो 13 मीटर पे पहुंचा, तो वो बीच में गिर जाएगा तो उठ के वापस थोड़ी आएगा अब, तो यहीं पे खत्म हो गया ये सिनेरियो, ओके। तो कितने सेकंड में वो अंदर गया है गड्ढे में, 37 सेकंड में, तो इसका आंसर क्या आएगा 37 सेकंड। समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। तो इसमें फिजिक्स का तो कोई काम नहीं लग रहा है, इसमें जो बेटा मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स का काम यह कि ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ओके। इसमें जो कंसेप्ट था, रीजन था, जो दिमाग में आना चाहिए, जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं वो एक दो के बाद ना पैटर्न बना लेते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है कि 8 सेकंड में वो 2 मीटर गया है, 16 सेकंड में वो 4 गया है, तो ऐसे कर करके पैटर्न बनाने लग जाते हैं कि 8-8 सेकंड में 2-2 मीटर जा रहा है तो 13 मीटर कितने सेकंड में जाएगा, वो सीधा आंसर निकालने लग जाते हैं। अब वो सोच के ना भूल जाते हैं कि यहां पे जाके वो एक बार गड्ढे में गिर गया ना जब, तो वापस बैक नहीं आएगा ना, यहाँ पे आप क्या गया कि सोच रहे हो कि यहां से फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो आप ये चीज है कि कब तक ये आगे जाके 13 मीटर नहीं डिस्टेंस ट्रैवल करता आगे पीछे। ये बेटा क्या होगा लास्ट में, क्या होगा जब वो गड्ढे में गिर गया ना बेटा, तब वो वापस नहीं आएगा यहां से, ओके। तो ये इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, रीजन ये था, मतलब ये बच्चों के दिमाग में नहीं आती कि जब वो गड्ढे में गिर गया ना इससे वो अब आगे नहीं पीछे नहीं आ पाएगा, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ओके। तो बेटा आप रियलिटी मोशन के क्वेश्चंस करिए, ओके। एक 3.25 वाला क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी का, होमवर्क में ये क्वेश्चन भी कर लेना है आपने, पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 3.25 बेटा, ये क्वेश्चन अभी कर लो। पता क्या है, बाद में ना जिस दिन पेपर होता है, पेपर के सुबह जिस दिन पेपर होगा, आप पेपर वाले दिन ये क्वेश्चन लेके आओगे सर ये कराओ, बेटा उस दिन मैं आपको बोलूंगा बेटा जितना आता है उतना करके आना बस पेपर में, नई चीज नहीं सीखनी है, आज सीख लो नई चीज बेटा, पेपर वाले दिन नई चीज नहीं सीखते, ओके। तो ये क्वेश्चन सारे कर लो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है 3.25 भी, आई होप आपने बाकी सारे क्वेश्चंस भी ये कर लिए होंगे मोशन इन 1D के। तो आई थिंक अभी आपके मोशन इन 1D के सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 28, तो ये सारे क्वेश्चन अभी खत्म हो जाने चाहिए बेटा, ओके। और ये एनसीईआरटी वालों ने डिफरेंशियल कैलकुलेशन के और इंटीग्रल के फॉर्मूलाज दे रखे हैं यहाँ पे, पेज नंबर 61 एंड 62 पे, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ बेटा, ओके। समझ आ गई बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर्स भी कर लिया है, अब हम बेटा मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे बेटा, पेज नंबर 20 पे एग्जांपल नंबर 2.5। चलिए बेटा मैं कल बता देता हूं ये क्वेश्चनों के, ये क्वेश्चन इजी है, ये तो कुछ नहीं है, थ्रेटिकल क्वेश्चन है 2.5 एग्जांपल बेटा,
ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं कल बता देता हूँ आपको ये वाला पार्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही है बेटा, तो प्लीज आप इसे मतलब पढ़िए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए सारे के सारे, अब सारे खत्म हो जाने चाहिए और वेक्टर्स के क्वेश्चंस भी बेटा, क्योंकि आपका जो इस सैटरडे को टेस्ट है उसमें वेक्टर्स और ये पार्ट आने वाला है।